आऊज़ु बिल्लाहि मिन अशशैतानिर रजीम हेलो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम टावलॉक इन आई एम महाराजदीन बख्श टीचर गवर्नमेंट बॉयज मॉडल स्कूल ठंडू सलोला टुडे आवर टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स काइंड्स इट्स फ्रॉम क्लास एट चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर ओपनड फ्राम नेचर यानी नेचुरल रिसोर्स ये वो रिसोर्स होते हैं जो कुदरत के बनाए हुए होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे इसमें सनलाइट है सॉयल है वाटर है एयर है या फॉरेस्ट है दीज आर ऑल क्रिएटेड बाई नेचर तो इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स ऑन द अवेलेबिली ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन नेचर नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू ग्रुप्स यानी हमारे कुदरत में हमारे इस नेचर में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको देखने के बाद जो ये नेचुरल रिसोर्स होते हैं इसको हमने यहाँ पर ब्रॉडली क्लासीफाई दो ग्रुप्स में किया है एक को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरे को हम बोलते हैं इनएजॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स यानि इनएजॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स दिस आर द टू कॉइंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वाट इज़ इन एग्जॉस्टेबल नेचुरलो इनएजॉस्टेबल नेचुरलोर्स आर दोज रिसोर्स आर अवेलेबल इन पलेंटी आर वी कैन से सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी एफेक्टेड बाई द ह्यूमन एक्टिविटीज एग्जाम्पल सन लाइट एंड आयर यानि इनएजास्टेबल नेचुरल रिसोर्स ये क्या होते हैं ये वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे कायनात में बहुत होते हैं अनलिमिटेड होते हैं यानी बहुत होते हैं ये हमारे कायनात में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये इफेक्ट नहीं होते हैं जिस तरह आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बोर्ड पर लिखी है एक है सन लाइट है आयर है यानी ये वो एग्जाम्पल है जो इनएगॉस्टबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं यानी सन लाइट जो सूरज की रोशनी होती है आजकल आप सबों ने देखा होगा कि हम अपने घरों में सोलर सिस्टम के सेट लगाते हैं जिसको आप इन्वर्टर भी बोलते हैं सूरज की रोशनी आब्जॉर्व करने के बवा करने के बाद वो शाम को हमारे घरों को रोशन करते हैं मगर फिर भी इस सूरज की रोशनी पर किसी भी कस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता है तो इन्हीं को बोलते हैं हम इनगजॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इनएजॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ये वो रिसोर्स होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इफेक्ट नहीं होते हैं और इनकी जो तादाद कायनात में है वो बहुत है अनलिमिटेड है उसके बाद जो दूसरा काइंड है नेचुरल रिसोर्स का जिसको आप एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दोज रिसोर्स विल गेट ओवर आफ्टर फ्यू ईयर यानी एग्जॉस्टल नेचुरल रिसोर्स ये वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद कुछ सालों में ये गाय भी होते हैं ख़त्म भी होते हैं और वी कैन से डेट दीज आर लिमिटेड इन नेचर यहाँ हम इस तरह भी बोलते हैं कि जो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये कायन में कम होते हैं लिमिट में होते हैं और ह्यूमन एक्टिवटीज़ की वजह से ये इफेक्टिव भी होते हैं जिस तरह आप देखेंगे एग्जाम्पल कुछ है यहाँ पर फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है मिनरल्स है या कोल एंड पेट्रोलियम है तो ये वो एग्ज़ाम्पल है अगर आप देखेंगे इनको इस्तेमाल करने के बाद ये कुछ सालों में ख़त्म भी होते हैं जिस तरह आप सबों को मालूम होगा कि आज से दस या पंद्रह साल पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारे गन्ने जंगलात पाए जाते थे मगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो ख़त्म हुए हैं इसी तरह वाइल्ड लाइफ है आपने अपने आबावा अजदाद से सुना होगा बहुत सारे नाम सुने होंगे वाइल्ड एनिमल्स के जो हमें मालूम नहीं है तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हुए हैं तो दीज आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लास्ट पे यही थोड़ा सा इसको मैं फिर से एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो था नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स काइंड्स। नेचुरल रिसोर्स आपने सुना कि नेचुरल रिसोर्स ये वो रिसोर्स होते हैं जो कायनात के जो कुदरत के बनाए हुए होते हैं इसमें अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल है सन है सॉयल है वाटर है एयर है फॉरेस्ट है दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स वी हैव क्लासिफाइड नेचुरल रिसोर्स इन टू ग्रुप्स डेट इज़ इनएजॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ये इनएजॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है ये वो रिसोर्स होता है जो हमारे कायनात में अनलिमिटेड होते हैं बहुत होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्ट नहीं होते हैं इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे सनलाइट है और एयर है उसके बाद दूसरा कस्म इसका जो था काइंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ये वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद कुछ सालों में यहाँ ख़त्म भी होते हैं और यहाँ हम इस तरह भी बोलते हैं कि जो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये लिमिट में होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ख़त्म भी हो सकते हैं इसमें अगर आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल्स कोल एंड पेट्रोलियम तो दीज आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स दिस वॉज टू रेज टॉपिक तो लास्ट का यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरे कायनात में पूरे दुनिया में हालात ठीक नहीं हैं कोविड नाइन्टीन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से तो सबों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपने घरों में ही रहे प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ़ एंड स्टे हेल्दी थैंक्स